हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे फ्रॉम IDBHU एंड यू आर वाचिंग नीरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि अपन लोग इलेक्ट्रो स्टडी का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, सो उसमें 15 लेक्चर तक आ चुका है और 15 लेक्चर तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, जिनमें से कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने सीखा था कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ की मदद से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे बच्चों को। क्लियर गाइस? सो आई कैन अज्यूम कि आप लोग वो होमवर्क कर चुके होंगे। सो गाइस, आज अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ रहे हैं और आज नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर गाइस? आज अपन लोग कंडक्टर पे पूरी तरह से फोकस होंगे और ऐसे कंडक्टर का जो कि अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कंडक्टर इन द सेंस ऑफ सेइंग कि इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर गाइस? वी आर गोइंग टू स्टडी कंडक्टर इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स हियर वी विल कंसीडर चार्ज टू बी रेस्ट। क्लियर गाइस? तो चलिए देखिए, कंडक्टर को देखते हैं। कंडक्टर को जानने से पहले अपन लोग कंडक्टर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो लेट अस सपोज कोई एक ऐसे ये कंडक्टर है। क्लियर गाइस? और मैंने इसे पॉजिटिवली चार्ज ऐसे चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर गाइस? तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए किसी के बारे में। तो पहला पॉइंट कंडक्टर के बारे में वो ये कि यदि कुछ भी चार्ज आप पॉजिटिव सरफेस इसकी सरफेस पे देते हो या उसको चार्ज देते हैं, तो जो चार्ज ऑलवेज लाई करता है वो कहाँ लाई करता है? ऑलवेज चार्ज लाई ऑन सरफेस, ऑलवेज। ये बात याद रखिएगा, सरफेस के अलावा वो चार्ज कहीं भी नहीं ले कर सकता। मतलब कि सरफेस के अलावा चार्ज कंडक्टर के इनसाइड नहीं लाई कर सकता। क्लियर है? कैसे? क्योंकि यदि कंडक्टर के अंदर चार्ज लाई करेगा तो एक दूसरे को रिपल्सन देंगे, रिपल्सन की वजह से वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। क्लियर गाइस? उसी की वजह से सरफेस पे प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है, जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे। या अपन लोग इसको एक गॉस लॉ की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर गाइस? सो ये हो गया पहले कि चार्ज, जो भी हम चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर को, वो उसकी कहाँ पे लाई करेगा? सरफेस पे लाई करेगा। क्लियर गाइस? जैसे कि कंडक्टिंग यदि स्फीयर होता, भले वो सॉलिड स्फीयर होता, तो उसके सरफेस पे चार्ज होता, ना कि अंदर। लेकिन यदि कोई नॉर्मल हमने सॉलिड स्फीयर लिया जो कि कंडक्टर नहीं है, तो उसके अंदर भी चार्ज लाई कर सकता है, बट इन केस ऑफ कंडक्टर नहीं, नेवर, नॉट पॉसिबल ना। दूसरा, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा हो रखता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकते हैं। ये बस इसकी मीनिंग के लिए बताया, कंडक्टर की मीनिंग के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर वो कितना होता है? वो होता है जीरो। ऑलवेज ये बात याद रखिएगा, इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब गाइज, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्लियर है? तो पहला तो ये बोल सकते हैं कि भैया चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मीन्स चार्ज मात्र सरफेस पर लाई करता है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बट इनसाइड दैट कंडक्टर देयर विल बी नो चार्ज। क्लियर है? बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट इनसाइड द कंडक्टर, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको अपन लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज ये कोई कंडक्टर है और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे पास कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव कर जाएंगे? इधर की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस चार्ज अलाइन हो जाएगा और इधर की ओर क्या अलाइन हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर भी एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। और ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड था। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के बराबर होगी, बट निगेटिव साइन के साथ। क्लियर है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। क्लियर गाइस ये बात? सो इसीलिए अपन लोग ये मानते हैं कि इन दोनों की वजह से अंदर जो कंडक्टर के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो ई इंड्यूस्ड प्लस ई अप्लाइड दैट विल बी इनसाइड जीरो, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, दैट मीन्स कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ कंडक्टर, लाइन्स इनसाइड अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी, मतलब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी? तो दैट विल बी जीरो। व्हाई जीरो? बिकॉज वी कैन सी दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स देयर विल बी द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दैट विल बी इक्वल टू जीरो।
मतलब गाइस इसके बेसिस ऊपर लोग एक बात कह सकते हैं कि यदि कोई कंडक्टर बीच में ऐसे लाई कर रहा है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। क्लियर गाइस? लाइक दिस, मतलब अंदर उसके कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और गाइस इसी को अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं इन केस ऑफ कैविटीज। इन केस ऑफ कैविटीज जो कैविटी होती है कंडक्टर के उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यदि अंदर कुछ चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर कैविटी दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। यदि कोई यहाँ पे कैविटी हो जाए, क्लियर गाइस, यदि यहाँ पे कोई कैविटी हो जाए और अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो वहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सो यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर गाइस? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी लाई करती है और वहां पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है उस कैविटी के अंदर, तो उस कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। और यही होता है बेटा, जैसे कि बस होती है जो, ये जो लोहे की बस होती है यदि उनके ऊपर कोई वायर गिर जाए तो अर्थिंग तो एक कारण होता ही होता है, लेकिन अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से भी उसके अंदर इंसान बचा रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर रही हो, क्लियर है, लेकिन आप कंडक्टर के अंदर बैठे हो तो आप बच सकते हैं। क्लियर? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर गाइस? तो ये हो गया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड बातें फॉर अ कंडक्टर। क्लियर गाइस? नाउ कंडक्टर के बारे में और बातें जानेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। बट पहले अपन लोग किसी भी कंडक्टर के चलते उसके सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ गाइस कंडक्टर के बारे में और एक बात जान लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किसी भी कंडक्टिंग सरफेस की कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी या जैसे भी होंगी वो उस सरफेस की परपेंडिकुलर होंगी। वाई परपेंडिकुलर होंगी ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आई थिंक तो सेकंड लेक्चर में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को बनाए रखने के लिए। क्लियर है? यदि किसी लाइन मतलब किसी एंगल पे होंगी तो एक चार्ज चार्ज फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा जो कि चार्ज को मूव करा देगा। क्लियर है? फिर दूसरी चीज, जो भी सरफेस होगी चार्ज की वो हरदम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी। अदरवाइज यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है कि चार्ज यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर जाएगा और चार्ज का जब मूवमेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की केस का रह ही नहीं जाएगा। क्लियर गाइस? सो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं किसके, सरफेस के। और कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर नहीं करती। और किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर गाइस? कंडक्टर के अंदर। और याद रखिए यदि कोई कैविटी इन्वॉल्व हो जाती है तो कैविटी के केसेस अपन लोग डिटेल्ड में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? या हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें अपन लोग डिटेल में। बट कैविटी में यदि अंदर चार्ज नहीं है, क्यों, कैविटी के अंदर भी जीरो है तो अपन एश्योर्ड है कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। क्लियर गाइस? और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटर नहीं करेंगी, बता देगी कंडक्टर को। हाँ यदि चार्ज क्यों रखा होगा तो उस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती हैं, लेकिन वो भी कंडक्टर को एंटर नहीं करेंगे। उसे अपन बाद में सीखेंगे कि करके, या एडी क्वेश्चंस भी हैं, बट अभी अपन फोकस हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना, ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस और कंडक्टर की वजह से। तो यदि लेट अस सपोज कोई कंडक्टर है ऐसे, क्लियर गाइस, दो तीन पॉइंट ले लीजिए ए बी एंड सी। तो तीनों पॉइंट पे मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलो मैं मात्र एक पॉइंट का पहले निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे सिलेंडर काट लिया मैंने, ऐसे अपने मन से एक गॉसियन सरफेस बना ली, इमेजनरी गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेंड्रिकल बना ली। क्लियर गाइस? और इसके अंदर मान लिया कि ये डी एस सरफेस है, ये कितना है, डी एस है। क्लियर गाइस? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इससे फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कहाँ कहाँ लिंक्ड होगा, सरफेस वन सरफेस टू सरफेस थ्री, सरफेस वन सरफेस टू सरफेस थ्री, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस टू दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वाई जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी, क्लियर है, किसी एंगल पे तो होंगी नहीं, मतलब इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएंगी क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी, दैट मीन्स कि वहां से कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ जाएगा। फाइव थ्री दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वाई फाइव थ्री इक्वल टू जीरो? बिकॉज यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, सो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा। बट वेन यू विल टॉक अबाउट सरफेस नंबर वन, सो फाई वन दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस? जो क्यू चार्ज यहाँ पे कंटेन हो रहा होगा। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ
कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर गाइस? एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी ई डॉट डी एस, क्लियर है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इन टू डी एस, सिग्मा इज वॉट, चार्ज डेंसिटी, क्लियर गाइस? सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस क्यों किया, क्योंकि भैया हो सकता है कि कंडक्टर का हर पर्टिकुलर जो सरफेस है वो अलग अलग चार्ज डेंसिटी का हो, जैसे कि ऐसे कोई है मान लो, ऐसा है कोई, क्लियर है? तो ये पॉइंटेड सेफ है, तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ का चार्ज डेंसिटी कुछ और होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके से प्रॉब्लम हो जाएगी ना, यदि अपन क्यों बोलेंगे, तो इसीलिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वहाँ का एरिया कर दिया तो वहाँ का चार्ज आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये डी एस से डी एस कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन वैक्टर, ये एन वैक्टर याद रखिएगा, क्यों एन वैक्टर इन्वॉल्व कराया, क्योंकि सी पे किसी और की ओर होगा, ए पे किसी और की ओर होगा, और बी पे किसी और की ओर होगा, सो मैग्नीट्यूड वाइज यदि बात करेंगे तो अपन लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट वेन यू विल टॉक अबाउट वैक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन देन यू हैव टू कंसिडर एन वैक्टर दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर गाइज? तो ये अपन लोगों ने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस और ड्यू टू अ कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस, मतलब किसी भी कंडक्टर के चलते उसकी सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी नियर दैट पर्टिकुलर सरफेस, और चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट सरफेस, क्लियर गाइस? अभी अपन लोग नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है किसी भी सरफेस पे ड्यू टू चार्जेस, वो कैसे निकालते हैं या वो क्या होता है, क्लियर है? चलिए करके देखते हैं उसे। नाउ गाइस, अपन का अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा वो कैसे निकाले, तो पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा क्यों, तो लेट अस सपोज कि कोई भी ऐसे हमारे पास एक कंडक्टर है, क्लियर गाइस? तो अपन यहाँ पे निकालना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, तो यदि हम इसे चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो यदि रिपल्सन इनके बीच में होगा तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ अपियर होने लगेगा, वो अपियर होने लगेगा इसी सरफेस पे, लेकिन सरफेस पे आने के बाद भी तो चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, सो रिपल्सन की वजह से एक फोर्स आएगा और उस फोर्स की वजह से वो प्रेशर महसूस करेंगे, क्लियर गाइस? तो उसी प्रेशर को अपन को कैलकुलेट करना है, तो याद रखिएगा जो हमने पिछली बार सिलेंडर लिया था प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गॉसियन सरफेस बनाई थी, जो सिलेंडर बनाया था इसने वो इमेजनरी गॉसियन सरफेस था, पार्शियली इनसाइड, पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड, तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था फ्रॉम लेटरल सर्फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आया था, और अंदर वाले के चलते भी जीरो आया था, बस इसी वाले सर्फेस जो आउटसाइड था उसके चलते बस आया था, तो चलिए उस सब का भी यहाँ पे उपयोग है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा अपन एलिमेंट काट लेते हैं, डीएस एलिमेंट, क्लियर है? ऐसे छोटा सा डीएस एरिया का एलिमेंट काट लिया, तो जो इस पे फोर्स आ रहा होगा, क्लियर गाइस, जो फोर्स आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, वो आ रहा होगा रिमेनिंग चार्जेस की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से, और यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ का चार्ज कितना होगा, यहाँ का चार्ज होगा सिग्मा इंटू डीएस, क्लियर गाइस? सिग्मा इंटू डीएस, डीएस इज द एरिया ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग सेक्शन इज, लेट अस सपोज ई आर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, सो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी सिग्मा इंटू डी एस इंटू ई आर अपॉन डी एस, अरे वही फोर्स अपॉन एरिया यार, तो डी एस से डी एस कट गया तो क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा होगा रिमेनिंग चार्जेस की वजह से, जो पॉजिटिवली चार्ज है उनकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होगा उस पर्टिकुलर चार्ज पे, वो क्या आ रहा होगा, दैट विल बी सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट सरफेस मल्टीप्लाइड बाई ई आर, ई आर इज वॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर हाउ वी विल गोइंग टू हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर गाइज, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, तो मैंने एक काम करना है, मैं सोचता हूँ कि यदि ये सरफेस है तो सरफेस के आउटसाइड क्या हो रहा होगा, सरफेस के आउटसाइड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया था उसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, और रिमेनिंग के चलते भी जो रिमेनिंग चार्जेस हैं उनके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, लेट अस सपोज ई आर, रिमेनिंग के चलते सबका जब वेक्टोरियल एडिशन लेंगे तो यही आ जाएगा, क्लियर है ऑन दैट लाइन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेराइवन रिजल्ट जो अपन लोगों ने पिछला दस के पहले मिटाने के पहले रिजल्ट निकाला था,
ई आर प्लस ई इक्वल टू होना चाहिए कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, जस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, क्लियर है। रिमेनिंग के चलते भी ई आर ऐसे ही होगा और उस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन के चलते भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही ऐसे होगा। तो ई आर प्लस ई आर प्लस ई दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट इनसाइड, तो यदि अंदर की बात करें तो इसके चलते तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई वो कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। लेकिन रिमेनिंग के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। क्लियर गाइज, यहाँ पे ई आर की वैल्यू ऐसे आएगी और यहाँ पे जो इसके चलते आएगा वो ऐसे आएगा। क्योंकि देखिए यदि स्मॉल सेक्शन लेंगे तो स्मॉल सेक्शन पे इसके इधर की ओर वो ऐसे चार्ज देगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और स्मॉल सेक्शन के इधर देंगे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्लियर है। लेकिन और सारे चार्जेस कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, तो उन सब के चलते इस पॉइंट पे कैसा, मतलब जस्ट इसके जस्ट आगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर की ओर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना सबके चलते। तो ये वाले वेक्टर्स कट भी जाएंगे, मतलब ये वाले सब, तो रिजल्टेंट यही वाला बचेगा। क्लियर गाइस। तो आउटसाइड तो दोनों के डायरेक्शन सेम थे क्योंकि ये भी ऐसे दे रहा था और ये सब भी मिलके ऐसे दे रहे थे, लेकिन जस्ट इनसाइड दैट सरफेस क्या हो गया, इसके साथ इसके चलते इस चार्ज के चलते इधर की ओर हो गया, लेकिन रिमेनिंग चार्जेस चलते इधर की ओर हो गया। और मुझे पता है कि इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। सो ई नेट इनसाइड कंडक्टर वो कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स ई आर माइनस ई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। सो यहां से क्या आ गया, ई आर इक्वल टू ई हो गया। क्लियर गाइस। तो ई आर जब ई हो गया तो मैं सी आर की वैल्यू को वहां ले जाके पुट करा दूं, तो क्या आ गया वहां से, मेरा वहां से आ गया टू ई आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से क्या आ गया आपका, ई आर की वैल्यू आ चुकी है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई आर। क्लियर गाइज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। क्लियर है। अब इसको ले जाके यहाँ पुट करा दीजिए तो आपका प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एंड गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि कई जगह दिया हुआ होता है लेकिन अपन लोग इसको निकालना नहीं सीख पाते हैं या बनता नहीं है या इसको रिजल्ट को याद कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आया कैसे, उन लोगों को आइडिया नहीं लगता है। बट नाउ आई कैन अश्योर यू कि आपने यदि इसको अच्छे से सीखा है तो आपसे अब ये बनने लगा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है किसी भी सरफेस पे कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर के सरफेस जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वैल्यू नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो गाइज ये आपको आ चुका है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर गाइज, तो अपन लोगों ने कंडक्टर से रिलेटेड ढेर सारी चीजें जान ली। क्लियर है। अपन ने ये जान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, अपन ने ये जान लिया कि इंडक्शन की वजह से क्या क्या मतलब चीजें आती हैं। सो गाइस जैसे कि मेरा एनर्जी डाउन हो चुका है क्योंकि मैं दो तीन लेक्चर एक साथ शूट करता हूँ जब भी करता हूँ, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेक्चर ओवर हो चुका है, इस लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर की तरह आएगा, मतलब लेक्चर नंबर 17 की तरह आएगा, जिसमें कि मैं आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेशर और इन सब से रिलेटेड हो करके अपन लोग ढेर सारी प्लेट्स का अरेंजमेंट करके कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। क्लियर गाइस, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आप पिछला नोट्स बनाए होंगे उसमें इसे भी ऐड कर लीजिए और कंडक्टर के बारे में जा करके अपने बुक से कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने की कोशिश करिए और कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व कराने की कोशिश करिए, बिकॉज अगले 4 से 5 लेक्चर में अपन लोग बहुत सारी चीजें इसके बारे में सीखने वाले हैं कंडक्टर से रिलेटेड। सो इसीलिए इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार उनको जाके जरूर बुक से देखिएगा। बाय द वे मैंने आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दी हैं, एक तो पहले कंडक्टर की प्रॉपर्टीज और दूसरा कंडक्टर की सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तीसरा कंडक्टर की सर्फेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर गाइस, सो आज 3 चीजें मेनली आपकी इस लेक्चर में कवर हुई हैं। लेक्चर तो बहुत छोटा है आई नो दैट, बट इट इज ऑल ड्यू टू माई एनर्जी, सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बाय द वे इतना छोटा लेक्चर देता नहीं हूँ खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पे, बट आई हैव टू डू दैट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज। सो गाइज आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बस यही बोलूँगा कि नोट्स बनाना ठीक है और पढ़ने की कोशिश करना, कोई होमवर्क नहीं आज, और होमवर्क जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग ढेर सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्लियर गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर लेक्चर में कि प्लीज़ यार शेयर किया करो क्योंकि तुम्हारा एक शेयर हो सकता है कि बहुत सारे नीडी बच्चों के पास मेरे लेक्चर्स पहुँचा दे। क्योंकि यार IIT में भी आए हुए बच्चे तो करीब 100 बच्चे मेरे को जान रहे हैं जो कि मेरे लेक्चर्स को थोड़ा बहुत देखे हैं, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मदद मिली है जिसकी वजह से वो आज भी आके मेरे से मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नीडी होंगे, जिनको जरूरत होगी। क्लियर गाइस,
और उनके पास आपका एक शेयर वीडियो का उनके पास पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपको मदद मिल रही है उसी तरह उनको भी मदद मिले, इसलिए प्लीज़ ट्राई करिए कि इस लेक्चर को जरूर शेयर करिए, जो भी लेक्चर आते हैं उनको शेयर करिए और लाइक तो करिए, उससे मुझे मतलब इंप्रेशन मतलब मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि बच्चों ने लाइक किया वीडियोज़ को, ठीक है ना। तो मैं और अच्छे से मेहनत करके अगली बार आता हूँ। सो गाइस अगली वीडियोस आने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर दबाया करो, नोटिफिकेशन बेल जो बेल होता है उसे दबा लिया करो, क्योंकि यार कोई नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं तो तुम पढ़ोगे कैसे, क्लियर है। और जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्लियर है गाइस, कीप वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।